हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळेकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन, व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। मैं आज बात करने वाला हूँ डिप्रेसिव एपिसोड्स के बारे में, मतलब निराशा के जो दौरे आते हैं उसके बारे में। निराशा के कुछ लोगों को क्या होता है कि सिर्फ निराशा के दौरे आते हैं, मतलब जैसा एक दौरा आता है वो 2-4 महीने रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने तक रहता है, और बाद में वो अच्छे हो जाते हैं। फिर कुछ दिन अच्छे रहते हैं, फिर कुछ दिन के बाद में फिर डिप्रेशन का दौर आता है, फिर 2-4 महीने डिप्रेशन में रहेंगे, ऐसा बार 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 उनको होते रहता है। अब आप सवाल करेंगे कि फिर अच्छा आप ही आप हो जाता है, फिर इलाज क्यों करना? क्योंकि वो जो डिप्रेशन का जो दौरा रहता है, भले वो 1 महीने का रहो या 9 महीने का रहो, उसमें जो तकलीफ होती है व्यक्ति को, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, वो अपने से देखी नहीं जाती, इसलिए उसका इलाज करना जरूरी है। और दूसरा, ये डिप्रेशन के जो पेशेंट रहते हैं उसमें से 2/3 लोगों को खुदकुशी करने की इच्छा होती है, विचार आते रहते हैं, और उसमें से 10-15% लोग खुदकुशी कर लेते हैं। ये खुदकुशी क्यों करते हैं? क्योंकि जो निराशा की भावना दिमाग में रहती है, उदास रहना, दुखी रहना बिना वजह के, निराशा रहना, फिर कोई काम में रस नहीं रहना, कोई काम में रुचि नहीं, ऐसा लगता है कि भाई अभी मेरा जीवन अंधकार में हो गया, मुझे तो कोई अभी आशा दिख नहीं रही है, मेरा जो भविष्य है वो तो अंधकार में दिख रहा है, मतलब ऐसा उनको लगता है, तो फिर वो उसमें फिर कुछ ना कुछ कर लेते हैं। उनको लगता है कि अभी मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, अतीत में जो भी कुछ हुआ उसके बारे में उनको बहुत दुख लगता है, और अतीत वो फ्यूचर में ला के रख देते हैं कि भाई अतीत में ऐसा हुआ तो भविष्य में भी ऐसा हो जाएगा, और फिर भविष्य भी उनको डार्क लगता है। उनको लगता है कि भाई ये टाइम जो है ना वो कट नहीं रहा है, मतलब समय जो है वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है आगे, तो उनको एक 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 मिनट उनके लिए बहुत 1 घंटे जैसा लगता है। तो फिर वो काम करते नहीं है, उनका उत्साह कम रहता है, उनकी एनर्जी जो रहती है, तो एनर्जी मतलब ऊर्जा जो रहती है, वो ऊर्जा कम रहती है काम में, फिर वही काम करने के लिए उनको बहुत समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है, तो उत्पादन क्षमता जो है वो कम हो जाती है। फिर काम में रुचि नहीं रहना, काम में कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहना, लक्ष्य नहीं रख, मतलब उसमें ख्याल नहीं रहता, या जो पढ़ा हुआ है जो काम करे वो याद नहीं रहता, तो फिर उसमें उनको डिस्टर्ब हो जाते हैं कि मुझे तो अभी मैं कुछ काम का भी नहीं रहा। फिर ये लोगों को क्या होता है कि सुबह बहुत ज़्यादा खराब लगता है उठने के बाद में, और फिर जैसा जैसा दिन ढलता है वैसा वैसा वो अच्छे अच्छा होना उनका शुरू हो जाता है, शाम तक थोड़े से अच्छे लगते हैं उनको, बोलते ठीक है अभी अच्छा लग रहा है, फिर दवा लेते नहीं या फिर डॉक्टर के पास में जाते नहीं, तो फिर इनकी नींद भी खराब रहती है। जैसा नींद सुबह जल्दी खुल जाती है, या फिर नींद जल्दी लगती नहीं है, या फिर नींद बीच बीच में बहुत खुलती है तो उनको सुबह उठने के बाद में फ्रेश नहीं लगता। कुछ लोगों को बहुत रोना आता है, बिना वजह का रोना आता है, बहुत रोते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि भाई रोना क्यों आता है और रोते क्यों, हमको भी समझ में नहीं आता कि रोते क्यों हैं ये। और ये बीमारी करके लोगों को क्या लगता है कि भाई कुछ तो भी हुआ, कुछ घटना हुई करके उनको दुख हो रहा है, एक्चुअली कुछ भी घटना नहीं रहती, या फिर ऐसी छोटी मोटी घटना होती रहती है उससे इतना दुख नहीं होने को ना, जैसा कोई किसी का अंत हो गया, देहांत हो गया, या जॉब छूट गया, या पैसे का नुकसान हो गया, या पैसा मतलब लॉस कर दिया पैसे का, या ट्रांसफर हो गया, या प्रमोशन नहीं हुआ, या एग्जाम में फेल हो गया, मतलब ऐसा, या डाइवोर्स हो गया, या पति पत्नी का नहीं पट रहा है, मतलब ऐसी काफ़ी सारी बातें रहती है, चीज़ें रहती है, या कोई चीज़ घूम गई है, पैसा घूम गया, तो इसमें ये चीज़, मगर ये चीज़ों से इतना बड़ा, इतना ज़्यादा डिप्रेशन नहीं आने को होना कि भाई वो काम ही नहीं कर सक रहा। कुछ लोगों को मन में इतना दुख रहता है, बहुत दुख रहता है, कि फिर वो उनको बार बार खुदकुशी विचार आते हैं, फिर वो खुदकुशी कर लेते हैं, या फिर उनके पास में गोलियां रहती है डिप्रेशन की, वो गोलियां खा लेंगे। सबसे ज़्यादा खतरा जब रहता है डिप्रेशन में खुदकुशी का, जब वो अच्छा होना चालू हो जाते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है तो वो उठ भी नहीं पाते या कुछ कर भी सकते नहीं, तो वो खुदकुशी भी करने के लिए उतनी भी उनके पास में ऊर्जा नहीं रहती कि वो खुदकुशी कर ले, मगर जब वो अच्छा होना शुरू हो जाता है और विचार वही रहते हैं, उस समय वो खुदकुशी कर सकते हैं। कुछ लोग अकेला अकेला रहना पसंद करते हैं डिप्रेशन के, तो फिर अकेले रहते हैं, लोगों से बातचीत नहीं करते, काम पे नहीं जाते, अकेले कमरे में पड़े रहेंगे,
कोई शादी ब्याह में जाएंगे नहीं, कोई उत्सव में भाग लेंगे नहीं, तो फिर वो अकेला अकेलापन रह के फिर वो उनके दिमाग उनका डिप्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते रहता है अकेला रहने से। प्रौढ़ नागरिकों में जैसे उम्र बढ़ जाती है तो फिर उस समय कोई बीमारी हो गई, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तो उससे भी डिप्रेशन आता है या बढ़ जाता है, या पत्नी का निधन हो गया या कोई बड़ी बीमारी हो गई तो उनको फिर ज़्यादा डिप्रेशन होता है। कुछ लोगों को डिप्रेशन में ज़्यादा भूख लगती है, तो ज़्यादा खाते हैं वो, तो ज़्यादा भूख लगना, ज़्यादा खाना, वजन बढ़ना ऐसा होता है, मतलब उल्टा। जो नॉर्मली डिप्रेशन दिखाया जाता है कि कम खाना कम नींद वजन कम होना, उससे फिर ज़्यादा खाना ज़्यादा नींद वजन बढ़ना। एक तो मेरा डिप्रेशन के एक पेशेंट है, उनकी उम्र करीब करीब 50-52 साल की है, और वो डिप्रेशन का दौरा आ गया कि वो सोते रहते, मतलब उठते नहीं, वो सुबह उठेंगे नहीं, मतलब सवेरे 11, 12, 1, 2 जब भी कभी उनको ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है, खींचना पड़ता है, फिर जाओ उठो, उनको ब्रश करने लगाओ, टॉयलेट पे जाने दो, और बाद में फिर कुछ तो भी खाएंगे, फिर जाके सो जाएंगे, फिर रात भर तक सोएंगे, मतलब इतना डिप्रेशन कि वो उठते भी नहीं, कुछ भी नहीं करते, इतना ज़्यादा उनको, इतनी ज़्यादा नींद आती है उनको, और बाकी उनको कोई लक्षण नहीं है। मेरे पेशेंट है वो, जब जब वो दौरा आता है तो आते हैं, दवा लेते हैं और अच्छे हो जाते हैं। बच्चों में भी डिप्रेशन दिखाई देता है, और बच्चों में कैसा डिप्रेशन दिखाई देता है, एक तो स्कूल फोबिया, मतलब स्कूल का डर, स्कूल जाना बंद कर देते हो, या फिर अपने माँ बाप को पकड़ के रखते हैं डिप्रेशन में, मतलब उनको लगता है कि अलग नहीं करना चाहिए, मैं अलग हो जाऊंगा तो दूर नहीं जाते माँ बाप से, या फिर समाज विरोधी कुछ तो भी काम करना चालू कर देते हैं, है ना, गलत बच्चों में जाना, फिर कभी तोड़फोड़ करना, वैसा कर देते, या फिर नशा करना चालू कर देते, या घर से भाग जाना, स्कूल से भाग जाना, ऐसा होता है, या पढ़ाई नहीं करना, तो डिप्रेशन के लक्षण है, और उनको डिप्रेशन की दवाई दिया तो बच्चे अच्छे हो जाते हैं। ये डिप्रेशन की बीमारी जो है उसके लिए दवाई है एंटी डिप्रेशंट्स, वो हम देते हैं तो पेशेंट अच्छा हो जाता है, उसका असर दिखने को कम से कम 3 हफ्ते लगते हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन ही रहा तो शॉक ट्रीटमेंट हम देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक। इसके साथ साथ उसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT, या रैशनल इमोटिव थेरेपी होती है REBT, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी REBT, वो करते हैं, या फिर एक्लेक्टिक अप्रोच रहता है साइकोथेरेपी का, मानसोपचार, तो हम करते हैं। फिर दूसरा, मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप खुद को बिजी करना चालू करो, और इसके साथ साथ कुछ ना कुछ लोगों को कॉन्ट्रीब्यूट करना चालू करो। डिप्रेशन का कोई भी पेशेंट भी लोगों के लिए खड़ा रहता है, लोगों को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चालू करता है, लोगों के लिए कुछ काम करना चालू करता है, कुछ दान धर्म करता है, लोगों को मदद करता है, तो उसका डिप्रेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ये सारी ट्रीटमेंट डिप्रेशन की है। 25 से 50% प्रौढ़ नागरिकों को डिप्रेशन होता है, मतलब उम्र के 50 साल के बाद में 25 से 50% लोगों को डिप्रेशन कुछ ना कुछ प्रमाण में आते रहता है। आपके भी आजू बाजू लोग होंगे जिनको मैंने अभी जो बताया वो होता होगा, वो लक्षण होंगे, इससे वो काम पे नहीं जाते होंगे, या घर पे होंगे, या खुदकुशी के विचार बोलते होंगे, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। वो यदि मानसोपचार तज्ञ के पास में जाके दवाई लेते हैं, मानसोपचार करते हैं, तो उनका डिप्रेशन अच्छा होके वो अपना जीवन अच्छा करेंगे। हमारा ये उद्देश्य है कि मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, हमारे देश में सबको मानसिक स्वास्थ्य मिलना चाहिए, व्यसन मुक्त भारत और हर व्यक्ति को शक्तिशाली बनाना ही हमारा काम है, तो इसमें आप सहायता करो। ये वीडियो आपके फेसबुक के ऊपर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।